रिटर्निंग ऑफिसर की हिदायत पर PP-168 के ज़िमनी इंतखाब में डाले गए वोटों की दोबारा गिनती की गई। दोबारा गिनती में भी PTI के मलिक असद खोखर ने 701 वोट की बरतरी और अपनी जीत बरकरार रखी। अरशद अली रिपोर्ट करेंगे। PP-168 में वोटों की दोबारा गिनती का अमल मुकम्मल। तहरीक इंसाफ दोबारा वोटों की गिनती में भी कामयाब रही। मलिक असद खोखर 17,571 वोट लेकर कामयाब करार पाए। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राणा खालिद कादरी 16,870 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। नौ मुंतखिब MPA मलिक असद खोखर ने कहा कि अवाम के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करूंगा, जीत इमरान खान को तोहफे में देता हूं। ये जीत तो हल्के के नाम करता हूं, बल्कि अपने लीडर इमरान खान को गिफ्ट करता हूं इस सीट को, और इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से अब हमने अपने हल्के की नए सिरे से बुनियाद रखनी है। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राणा खालिद कादरी की दरख्वास्त पर रिटर्निंग ऑफिसर ने 33 पोलिंग स्टेशन की दोबारा गिनती का हुक्म दिया था। गिनती से कबल गैर मुतल्लिक अफराद को RO के कैंप ऑफिस से बाहर निकाल दिया गया था, जबकि उम्मीदवारों की मौजूदगी में दोबारा वोटों की गिनती का अमल मुकम्मल किया गया।